हेलो गाइस, आज हम आपको सिद्धार्थ नगर के समय माता स्थान पर लेकर जाएंगे और आपको दर्शन कराएंगे माता के, जहां पर लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत ही प्राचीन माता का स्थान है, तो आज आपको लेकर चले माता के दर्शन कराने के लिए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये माता का स्थान है। अभी हम आपको वहाँ लेकर चलते हैं। मैं और मेरी बेटी परी दोनों साथ में आए हुए हैं और अभी हम माता के दर्शन कराने के लिए आपको लेकर चलते हैं। तो चलिए माता के दर्शन करते हैं। आज हम आए हैं सिद्धार्थ नगर के समय माता स्थान पर, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। ये एक छोटे से गांव भरवलिया के नज़दीक पड़ता है और माता की बहुत मान्यता है। यहां पर आकर लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं और माता उन्हें पूरा भी करती हैं। तो आज हम आपको लेकर आए हैं माता के दर्शन कराने के लिए। तो आइए देखते हैं, ये घंटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। पीपल का बहुत बड़ा, बहुत पुराना पेड़ है। ये एक बहुत प्राचीन मंदिर है। ये घंटा है बहुत बड़ा, यहाँ पर बहुत सारे घंटे लगे हुए हैं। और इस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित है। और मैं और मेरी बेटी परी, ये देखिए, हम दोनों आए हुए हैं समय माता स्थान पर आज पूजा करने के लिए। तो हम लोगों ने भी पूजा ख़त्म कर ली है। मैंने सोचा कि एक व्लॉग बना दूँ ताकि आप लोग भी माता के दर्शन कर सकें। आइए और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ माता के स्थान पर क्या क्या है। ये स्थान है जहाँ पर बहुत सारी हाथी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं और एक पीपल का पेड़ है जो कि बहुत पुराना है। बहुत ज़्यादा इस मान्यता है, लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाएँ लेकर आते हैं और माता उन्हें पूरा भी करती हैं। इसलिए इस मंदिर की, इस स्थान की बहुत ज़्यादा मान्यता है। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हाथियों की जो मूर्तियाँ हैं वो लगी हुई हैं इस तरह से। ये घंटियाँ बंधी हुई हैं, बहुत सारी घंटियाँ इस तरह से बंधी हुई हैं यहाँ पर। ये घंटियाँ उन लोगों ने बांधी हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। और ये देखिए, चारों तरफ जो है वो हाथियों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं और पीपल के पेड़ के ऊपर इस तरह से घंटियाँ बांधी गई हैं, बहुत सारी घंटियाँ हैं। और ये देखिए, चारों तरफ खेत हैं। ये यहाँ पर हवन हुआ था, तो ये हवन कुंड है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये मंदिर के बिल्कुल सामने हवन हुआ था, भागवत कथा हुई थी, तो ये हवन कुंड बनाया गया था जो कि ये आप देख रहे हैं। समय माता स्थान के पीछे एक छोटी सी नदी बहती है जिसका नाम है आमी नदी। आप देख सकते हैं, बहुत छोटी सी नदी है, कोई ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, लेकिन माता के स्थान की वजह से इस नदी की भी काफ़ी ज़्यादा आस्था है। आमी नदी का नाम है और यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं और माता उन्हें पूरा भी करती है। ये चारों तरफ खेत है। ये माता स्थान का पीछे का दृश्य है और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं पीपल का, काफ़ी पुराना, काफ़ी प्राचीन पेड़ है। शुक्रवार को माता के स्थान पर बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं, कथा करवाते हैं, पूजन करवाते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता के सामने अर्जी लगाते हैं। तो अगर आपको भी मौका लगे, आप नज़दीक रहते हैं सिद्धार्थ नगर में, तो माता के स्थान पर ज़रूर आएं और अपनी मनोकामना माता के सामने रखें, माता आपकी कामना ज़रूर पूरी करेगी। तो अभी मैंने आपको माता स्थान के दर्शन करा दिए हैं, अब मैं घर चलता हूँ, मुझे यहाँ से निकलना होगा। माता आपके घरों में समृद्धि लाए, लोगों को सुख चैन दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि माता का आशीर्वाद भी आप लोगों को मिल सके। तो अगली बार फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।